नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें नए लर्निंग्स पर समय देना चाहिए। जिस तरह हीरे की चमक है, डायमंड की चमक है, खूबसूरती है, वो मूल्यवान है और सबसे स्ट्रांग है, उसी तरह हमारा जीवन भी चमकदार, खूबसूरत, मूल्यवान और सबसे यादगार बन जाएगा। वीडियो के एंड में मैं एक टाइम मैनेजमेंट टिप आपको देने वाला हूँ कि किस तरह आप इन लर्निंग के जरिए आपके जीवन में टाइम जोड़ सकते हैं, लर्निंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हमें जैसे तैसे हमारे 24 घंटों को बिताना ही है, उन्हें अपने आप को कोस कोस कर बिताएं या फिर अपने हिसाब से बिताएं, ये हमारे हाथ में है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लर्निंग से कैसे हम चमकदार बनते हैं, यानी ब्रिलियंस हमारी डेवलप होती है। आप जब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आप उनके पीछे के भाव समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। उसी तरह आप अपने थिंकिंग पावर को और भी डेवलप कर देते हो। अब इमेजिन कीजिए, आप कोई फंक्शन में दोस्तों के बीच बैठे हैं और वहां हो रही चर्चा में आपने ऐसे विचार रखे जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो चमक जाएंगे ना आप। उसी वक्त से आप सबके फेवरेट बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप लगातार कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें वो कंफर्मेशन जरूर दें। चलिए अब समझते हैं कि कैसे लर्निंग से हमारे जीवन खूबसूरत बन जाता है। यहाँ दो इंसानों में कंपेयर करके देखिए। एक इंसान हमेशा सिर्फ अपने बारे में, अपने व्यापार की, अपने अंदर आए बदलाव की ही बात करता है, और वहीं पे एक इंसान है जो सभी अलग अलग विषयों पर बात करता है। मुझे बताइए, आप किस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे? बताइए, दूसरे इंसान के साथ, है ना, क्योंकि उनका जीवन अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। क्या आप नहीं चाहते आपका जीवन भी ऐसे अलग अलग रंगों से भरा हो? हमारा ये चैनल भी अलग अलग टॉपिक्स के अनेक रंगों से भरा हुआ है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं, कैसे नई लर्निंग्स आपकी वैल्यू बढ़ाती है। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू किस प्रकार करते हैं, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है या फिर उसके अंदर कितना मटेरियल है, उसी से उसका भाव होता है। जैसे 6 डजन मैंगो की वैल्यू 1 डजन से ज़्यादा होगी, करेक्ट। उसी तरह जितनी लर्निंग आप लेते रहेंगे, उतना आप खुद में मटेरियल भरते रहेंगे, और जितना मटेरियल भरा रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। तो इसलिए समय समय पर अपने आप को नई लर्निंग्स के साथ जोड़ते रहना चाहिए और अपने वैल्यू को बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए अब आखिरी पॉइंट को समझते हैं, लोग डायमंड की तरफ जिस तरह अट्रैक्ट होते हैं, हमारे तरफ भी उस तरह अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अब उन्हें आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ नॉलेज शेयर करना, आपसे नॉलेज पाना उनको अच्छा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है जो उन्हें चाहिए, और आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बारी आती है कि कैसे अपने शेड्यूल में नई लर्निंग्स के लिए टाइम निकालें। मुझे भी बुक रीडिंग काफ़ी पसंद थी दोस्तों, लेकिन देखा कि मेरे शेड्यूल में जब नए नए काम ऐड हो रहे थे, मेरी भी रीडिंग करने की हैबिट थोड़ी सी खत्म होने लगी थी। तब मैंने उसे एक चीज़ से साथ अटैच कर लिया। मेरी खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने की आदत है। फिर मैंने वज्रासन के वक्त को, मोबाइल यूज़ करने के टाइम को दूर करके किताब को हाथ लेना शुरू कर दिया। आप भी इसी तरह किसी एक एक्टिविटी के साथ रीडिंग को या नई लर्निंग को जोड़ लीजिए, आपके लिए उसे फॉलो करना आसान हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आज से आप कौन से माध्यम से नई लर्निंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।